दोस्तों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों अगर आप महादेव को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके पूज्य गुरु जी के अनुसार धनतेरस के दिन के बहुत ही अचूक और रामबाण उपायों के बारे में आपको बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि धनतेरस का दिन खरीददारी के लिए बेहद शुभ होता है। हिंदू धर्म में धनतेरस पर्व को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सोना चांदी, बर्तन इत्यादि की खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर्व के दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। बता दें कि धनतेरस के दिन की गई पूजा पाठ के साथ साथ उपायों का भी बहुत महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे टोटके बताए गए हैं जिन्हें धनतेरस के दिन आजमाने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। आइए कुछ ऐसे ही उपायों के विषय में जानते हैं। वास्तुशास्त्र में इस बात को विस्तार से बताया गया है कि घर में किस सामान को किस दिशा में रखा जाना चाहिए ताकि आपके परिवार को जीवन में कभी किसी तरह के कष्ट का सामना न करना पड़े। वास्तु में यह तो बताया ही गया है कि आर्थिक समृद्धि के लिए आपको धन किस दिशा में रखना चाहिए, साथ ही यह भी बताया गया है कि किस दिशा में धन रखने से आपका धन न तो बढ़ता है और न ही घटता है, मतलब आप उसी हाल में रह जाते हैं जैसे आज हैं। इससे बचने के लिए जाने धन रखने की सही जगह। वास्तु के अनुसार जिस कमरे में तिजोरी बनवाएं या फिर अपना धन रखें, उसमें सिर्फ एक ही दरवाजा होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण में भूलकर भी अपना धन स्थान न बनवाएं, नहीं तो आपका पूरा पैसा तेजी से बेवजह खर्च हो जाएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार पैसे रखने वाली तिजोरी में भूलकर पुराने बिल या अन्य तरह के कागज आदि को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बड़ा दोष माना गया है। कई बार हम अपने कैश बॉक्स या फिर कहें तिजोरी को वास्तु के अनुसार सही दिशा में रखते हैं, लेकिन उससे जुड़े दूसरे वास्तु दोष को नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तु के अनुसार कभी भी तिजोरी का मुंह दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे गंभीर दोष माना गया है, जिसके कारण घर में रखा पैसा नहीं टिकता है और बहुत तेजी से खर्च हो जाता है। वास्तु के अनुसार तिजोरी में रखा धन खूब तेजी से बढ़े और आप पर लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, इसके लिए आपको अपनी तिजोरी हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियां, पीले चावल और चांदी का सिक्का एक पीले कपड़े में बांधकर रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार धन रखने के लिए उत्तर और पूर्व की दिशा को सही माना जाता है, लेकिन किस दिशा में धन रखने का क्या प्रभाव होता है यह जान लेना बहुत जरूरी है, ताकि आर्थिक तरक्की में वास्तु के कारण कभी कोई बाधा न आए। आपने अपने घर में जिस भी अलमारी में धन रखा है उसके ऊपर ब्रीफकेस या भारी सामान नहीं रखना चाहिए। कई बार हम स्थान की कमी या अन्य कारणों से अलमारी के ऊपर भारी सामान, संदूक या ब्रीफकेस रख देते हैं। ऐसा करना हमारी आर्थिक तरक्की में बाधा उत्पन्न करता है। प्रयास करना चाहिए कि आपने जिस कमरे में अपनी धन रखने वाली अलमीरा रखी हुई है उस कमरे में क्रीम कलर की पुताई या व्हाइट वॉश होनी चाहिए। यह रंग धन वृद्धि में सहायक माना जाता है। यदि पूर्व और दक्षिण के कोने अर्थात अग्नेय कोण में धन की अलमारी रखी जाती है तो वास्तु के अनुसार बेवजह के खर्चों में वृद्धि होती है।
धन इतनी तेजी से खर्च होता है कि कई बार कर्ज लेने की स्थिति आ जाती है। यदि आप वास्तु और शुभ कार्यों से संबंधित दूसरे कार्य करते हैं तो यहाँ धन रखने का प्रभाव यह होता है कि आपका धन उतना ही रह जाता है जितना है। बहुत मेहनत के बाद भी आप आर्थिक तरक्की के लिए परेशान हो सकते हैं। जिस अलमारी में पैसा रखा जाता है उस अलमारी को दक्षिण या पश्चिम दिशा की दीवार के सहारे इस तरह रखना चाहिए कि अलमारी खोलते समय उसका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में खुले। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य होते हैं जो प्रगति के कारक हैं। उत्तर दिशा के स्वामी धन के देवता कुबेर होते हैं। धनतेरस पर्व के दिन पूजा पाठ के दौरान गोमती चक्र का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन 5 गोमती चक्र पर चंदन का तिलक लगाकर माता लक्ष्मी की वंदना करें और मंत्रों का जाप करें। ज्योतिष शास्त्र में एक टोटका यह भी बताया गया है कि इस दिन लक्ष्मी गणेश और भगवान कुबेर की पूजा के बाद रात के समय 21 चावल के दाने लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है। इसके साथ धनतेरस से भाई दूज पर्व तक 11 कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। विभिन्न स्रोतों से धन के आगमन के लिए धनतेरस के संध्या काल में 13 दीप अवश्य प्रज्वलित करें। इसके साथ 13 कौड़ियों को आधी रात में घर के प्रत्येक कोने में रख दें।